YouTube चैनल स्मार्ट कटिंग गाइड में आप सभी को स्वागत है। आज मैं अपने गार्डन है जो मैंने गार्डन जो बनाया हुआ अपने घर के बालकोनी में वो आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ। तो गार्डन में कौन कौन सा प्लांट है, कौन कौन सा पौधा है, आज मैं आप लोग सब इसके बारे में बताऊंगा, सब दिखाऊंगा कौन कौन सा मेरे गार्डन में प्लांट लगा हुआ है। तो ये देखिए, जैसा कि मैंने दिखा रहा हूँ, ये तुलसी जी का पौधा है और आगे ये देखिए ये गिलोई का पौधा है और ये फूल का पौधा है, ये मिर्ची है, ये मिर्ची है जो कि अभी इसमें फूल आने वाला है। ये गिलोई का पौधा जो कि हमारा ये काफ़ी फायदेमंद होता है, काफ़ी अच्छा औषधि है जो कि मैंने घर में लगाया हुआ है इसको। और ये देखिए ये भिंडी का पौधा है, भिंडी काफ़ी इतना बड़ा हो गया है। और आगे देखिए ये जो है अमरूद का पौधा जो कि मैंने ये नर्सरी से ख़रीदा हुआ था, जो कि बहुत कम प्राइस में मिला हुआ, मुझे ये 30 रुपये में मिला हुआ और 6 महीने में इसमें फल आने लगेगा। ये जो है ये जो है मोगरा है जो व्हाइट कलर का फूल आता है और काफ़ी खुशबू देता है इसे। इस टाइम में ऐसा था जब हमारे घर में ये फूलता था तो इधर पूरा सुगंध होता था ये फूल से, लेकिन अभी फूल नहीं आ रहा है, इसको कटिंग करना पड़ेगा। तो अभी कुछ दिन के बाद मैं इसको कटिंग करूंगा मैं। भिंडी है, ये देखिए करेला का पौधा है जो कि मैंने एक जाल बनाया हुआ है, जाल कितना बड़ा है और इस तरह से इसमें जाल को जो है करेला जो चढ़ा हुआ है और इस तरह से पूरा छाप लेगा चारों तरफ से, एक टाइम ऐसा आएगा ये पूरा कवर कर लेगा तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, जो कि पूरा आगे साइड में ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। और ये भी है जो गिलोई है, ये भी इसके तरफ से जाएगा तो ये अच्छा लगेगा देखने में। फूल है, फूल जो है हमेशा आता रहता है, अभी देखिए इसमें निकलना शुरू हो गया है, इसमें कभी भी फूल जो है कम नहीं होता है, बराबर फूल रहता ही रहता है हमेशा। इसमें से पूजा के लिए हम लोग फूल यूज करते हैं जो बराबर रहता है। देखिए अभी निकल रहा है, अभी सब तुरंत भर जाएगा इसमें। ये देखिए मिर्च है, ये हमारा मिर्च है जैसा कि मैंने आप लोग को दिखा रहा हूँ, मिर्च में कितना फल लगा हुआ है, ये बड़ा बड़ा और मिर्च जो है ये सब इतना बड़ा बड़ा फल लगा हुआ है काफ़ी इसको। ये देखिए मिर्च का पौधा है, ये मिर्च देखिए कितना बड़ा बड़ा हुआ है। आगे देखिए इसमें ये सब जितने प्लांट्स मैंने लगाया हुआ है, ये जो है आशीर्वाद आटा जो 10 KG का आता है उसका जो प्लास्टिक बैग है, तो लोग क्या करते हैं कि इसको बाहर फेंक देते हैं, लेकिन मैंने इसमें मिट्टी भर करके इसको गार्डन बनाने में काम किया। तो इस गार्डन में जहाँ तक देखा जाए जो इतना खूबसूरत सुंदर लग रहा है देखने में, इसमें मुझे ज़्यादा खर्चा नहीं आया है, मैं इसको आराम से बनाया हूँ। ये अनार का पौधा है जो कि मैंने अभी गवर्नमेंट नर्सरी से लिया हुआ था और काफ़ी ग्रोथ में है, काफ़ी बढ़ रहा है। आगे देखिए बैंगन का पौधा है और ये जो है टमाटर का पौधा है, ये भिंडी है और ये टमाटर का पौधा एक में चार है, सारे होगा इसमें। और ये शिमला मिर्च जो कि मैंने अभी शिमला मिर्च का कितना बड़ा है। आगे देखिए ये भी शिमला मिर्च है, ऐसे ऐसे शिमला मिर्च मेरे 3-4 बड़े बड़े हुए हैं जो कि काफ़ी ग्रोथ कर रहे हैं। आगे देखिए ये और ये सब मोगरा प्लांट्स का है, ये फूल है जो कि इसको कटिंग करने के बाद में इसमें से नया फ्लावरिंग होगा। और आगे देखिए इसमें मैंने धनिया और पालक लगाया था, लेकिन इस बार बारिश के वजह से इसमें नहीं हुआ है, सब बारिश के पानी से सब बर्बाद हो गया है मेरा। और ये है लौकी का पौधा, ये है टमाटर का। आगे ये देखिए ये जो है ये तुलसी जी का पौधा है और ये जो है गुलाब का पौधा है। तो ये हमारा छोटा मोटा गार्डन है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि आप लोग को गार्डन एक बार दिखाऊं, जो कि आज मैंने आप लोग को दिखाया। आप देख करके मुझे बता सकते हैं कि मेरा गार्डन कैसा है, और इस तरह का गार्डन अगर जिसके पास ऐसा जगह हो तो ऐसा बना सकता है जो कि वो अब नेचर के लिए अच्छा है और हमारे डेकोरेशन हमको खुद देखने के लिए अच्छा है सब चीज़।